को सौंपा गया था। सुंदर ग्रॉल यहां पर देखने को मिलता हुआ, मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों के साथ ये पहली स्कोर जर्सी नंबर 8 मिल सकती है। और धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूं यहां से कि जनसमूह जो है, आवाम जो है, जुड़ने लगी इस मैच में जुड़ने के लिए। इसलिए खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आवाम जो है हमारे साथ जुड़ने लगी फुटबॉल के लवर्स। आज चश्मदीद गवाह इस त्रिदिवसीय फुटबॉल की महासंग्राम की ग्रैंड फिनाले वाले दिन पर अब तक उपस्थित हो चुके तमाम फुटबॉल के भक्तों का मैं भव्य प्रेम के साथ, हृदय प्रेम के साथ मंच परिवार की ओर से स्वागत करना चाहूंगा। जिस तरह से कल तक ये मैदान है कि विधवा दुल्हन की तरह लग रही थी, आज ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और चले भाई एक जरूरत सूचना यह भी मैं प्रेषित करना चाहूंगा यहां से, जो भी अवैध तरीके से कुर्सी पर आसीन है, बिना टिकट लिए अगर आप कुर्सी पर आसीन हो गए हैं तो कृपया करके आप आसीन ना हो। टिकट की मूल्य है सिर्फ ₹30 शुल्क भुगतान करते हुए आप कुर्सी पर बैठे जाएंगे। अगर आपको हटाएंगे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और यकीन मानिए हमें बिल्कुल खराब लगेगा, इसीलिए समझदारी का परिचय देंगे। ऑडियंस आप ही के एंटरटेन के लिए यह जो मंच हमने तैयार करके दी है और कहीं ना कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बेवजह जो हवाई तरीके से कुर्सियों पर कब्जा नहीं जमाएंगे। मामूली से शुल्क है, आप चाहे तो भुगतान करते हुए कुर्सियों पर आसीन हो सकते हैं। और अगले मैच आज की प्रथम चक्र के अंतिम मुकाबले एबीसी बेल्टांड कांड्रा और आप है अंशु बर्गर। जी हाँ, सही सुना आप है, दोनों दलों ने आप ही दोनों के नाम इस वक्त इस वॉइस ट्रांसमीटर पर मैंने ली है। मेमोरी कार्ड को बाएं पैर का इस्तेमाल, काउंटर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार। यार मौके पर डिफेंसिव हाफ की खेमा काफी मुस्तैद और काफी गतिमान तरीके से गेंद को आगे लेते हुए दाएं क्षेत्र के विंगर हो रहा है, लेकिन ये क्या मौजूद है, एक दुर्गा हेमरम और एक दुर्गा अर्जुन, क्या करा जाए। जर्सी नंबर 5 की बात करें जाए दुर्गा, ब्लाइंड पास से खिलाड़ी कोई वहां पर मौजूद नहीं, नहीं तो स्वरूप हम बोल रहे थे, नहीं तो हम आ चुके हैं जिले भरा की प्लेयर लिस्ट हम करेंगे तो रह गई ना इस अलावा से बहुत पर वहां से फिर आपका अपना वाला लोगो हटा लीजिए। मैदान कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को धोखा देने में सफल हो रही है। अगर उत्तरी सीमा के गोल्फी पोस्ट उस बड़ी डी बॉक्स के आसपास अगर देखा जाए तो कीचड़ वहां पर हो चुकी है और कहीं ना कहीं गेंद वहां पर फंसने लग रही है, इसका नुकसान खिलाड़ियों को देखने को मिल रहा है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? गोल स्कोर करने के बाद एक और अलग ग्राउंड आपको उपलब्ध किया गया। बोल रहा था कौन तुम? अपलोड अच्छी बटवाला नंबर है लेकिन कीपर सुनील हंसदा, एक्स्ट्रा गोल कीपर राजू सोरेन जर्सी नंबर 21 पर, विशाल मुर्मू जर्सी नंबर 5, राकेश किस्कू जर्सी नंबर 6, सुनील बेसरा जर्सी नंबर 3, संग्राम टुडू जर्सी नंबर 14, आनंद सोरेन जर्सी नंबर 8, मिर्जा मुर्मू जर्सी नंबर 11, कुसु सोरेन जर्सी नंबर 12, समीर किस्कू जर्सी नंबर 9 जो स्टील के अगुवाई करते हुए वाकर को संभालते हुए और प्रेम सोरेन एक्स्ट्रा प्लेसमेंट जैसे नंबर 4 मौजूद इस तरह के दसमत बर्गर्स जिले इमरा की टीम पर। एक बार फिर टाकुर स्पॉटिंग बाई स्पर से गेंद के साथ रन अप करने का प्रयास, एक बार फिर ठाकुर स्पॉटिंग बाई स्पर से दो खिलाड़ी के मध्य अच्छी साझेदारी, जश्न नंबर 1 के लिए गेंद को सौंपा गया था। सुंदर ग्रॉल यहां पर देखने को मिलता हुआ, सुंदर ग्रॉल यहां पर
मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों के साथ ये पहली स्कोर जर्सी नंबर 8 के द्वारा आती हुई मास्टर एंड ब्लास्टर एंड लेजेंड ऑफ द प्लेयर इन दिस मैच दुर्गा अर्जुन ठाकुर स्पोर्टिंग की ओर से लाजवाब के गोलकीपर के कोने पर समाती है गेंद और इस तरह से पहले स्कोर की बढ़त मिलती हुई ठाकुर स्पोर्टिंग की टीम को। सिंह बाबू गा रहे आपके पापा से मंच पर इंतजार कर रहे हैं, मंच पर चलाएंगे प्लीज। सिंह बाबू गा रहे हैं, हम फोकस करना चाहेंगे इस वक्त इस मैदान के अंदर तो कहीं ना कहीं एक पहली झटका यहां पर लग चुकी है जिले घोड़ा के टीम मंडली की और इस 440 वोल्टेज में झटका देने का जो काम किया है मिस्टर दुर्गा आपकी जीत को सुनिश्चित नहीं करते, प्रेफर नहीं करते, इससे कहीं अधिक स्कोर लानी पड़ेगी यहां पर ठाकुर सेतरन लोहार जी आप मंच पर चलाएंगे और इस मैच के बाद एबीसी डेल्टा कांगड़ा और आप है अंशु बर्दस की टीम। हम चाहेंगे समय रहते अपने दल को लाइन अप कर देंगे हमारे मुख्य पंडाल के करीब जो रेफरी पैनल बनाएंगे उस क्षेत्र पर सूर्य के प्रखर समय आप देने लगे हैं, कहीं ना कहीं दर्शकों को थोड़ी सी परेशानियों में डाल रही है और आज इस ग्रामीण क्षेत्रों पर क्षेत्र खलिहान की लाखों काम चलते हुए और इस क्षेत्र खलिहान को काम को छोड़कर हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं जुड़ने वाले हैं इनका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूंगा। विक्रम जी की सिटी आ चुकी है उत्तरी सीमा पर दक्षिण क्षेत्र पर बनेंगे जिलिंगोरा के 1300 मैच से पीछे चलते हैं उसके लिए सेकंड हाफ के बाद मैच का शानदार तरीके से आगाज हो चला है। क्या कहा जा रहा है इस मैच की दारंगारी पर आज आपके सामने विक्रम जी मौजूद है एज मुख्य रेफरी के हैं जिंदा और सुचित जी मौजूद है AR1 की कंडीशन पर एंड AR2 की कंडीशन पर देखने को मिलेंगे मिस्टर रंजीत सरदार की हाथ से साथ लंबे तक काटे के एक ऊर्जावान खिलाड़ी समानांतर पास जर्सी नंबर 8 अमन के लिए जर्सी नंबर 11 के यहाँ पर गेंद मिली है कुंवर की स्क्रीन सामने थी गतिरहित ये गेंद थी अगर फोर्सफुली गतिमान तरीके से यहां से अगर डालते तो कहीं ना कहीं जो है एक एक की बराबरी करा सकते थे और वो कला है सुनील सोरेन एक गोलकीपर के अहम किरदार पर ठाकुर स्पोर्टिंग की रिप्रेजेंट करते हुए प्रतिनिधित्व करते हुए अगर दूरी से की करेंगे ठाकुर को विशेष असर पड़ेगी नहीं इफेक्ट पड़ने वाले नहीं है। साथ ही खिलाड़ी के पास अभी मिल जा रही लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी वाली पास मुहैया कराई गई है और थोड़ी सी शिथिल जो खेल को प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर जिलिंगोड़ा की टीम इसमें से काम बनेगी नहीं बिल्कुल पहले के मुकाबले जो रिदम है गति में एक्सिलरेट करनी पड़ेगी उसके साथ ही आपके टीम के समाधान का स्कोर आएगी और जैसे नंबर 14 करते हुए इस गेंद को आखिरकार जितने में सफल को सब तक बाईपार का खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल और अभी अभी हमारे साथ संपर्क स्थापित कर ली है। जब जब गोल आएगी तब तब इस गोल को सेलिब्रेट करने के लिए थिरकेंगे डीजे के लाउड धुन में इसीलिए सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त मेरे छोटे भाई भुगतान करके कुर्सियों पर बैठकर आनंद उठा सकते हैं यानी कि आप फुटबॉल तो मुफ्त में देख ही लेंगे साथ ही साथ रखी हुई अफरा का भी आप मुआयना कर सकते हैं बिल्कुल जी। अब मैं झूठ नहीं अटल सत्य वचनों के साथ कह रहा हूं अब से महज 10 मिनट के अंतराल में आपके सामने होंगी कलकत्ता की श्रेय गर्ल्स खुद ब खुद से ले आएंगे साक्षात आपके सामने मानो तो स्वर की अप्सराएं आपके सामने होंगी लेकिन इसके तत्पश्चात भाई रनिंग मैच जो खेली जा रही है आज का प्रथम चक्र का अंतिम मुकाबला एबीसी बेल्टन कांगड़ा वर्सेस अंशु वर्देस हमारी आवाज जरूर आप सब तक पहुंच रही है
इसलिए मैं चाहूंगा मैच समाप्ति से पूर्व आप चले आएंगे दोनों ही दल ठीक हमारे मंच के करीब। ये मैच समाप्ति की कगार पर किसी भी वक्त जो है मैच की फुल टाइम सिटी विक्रम हंसदा जी की आ सकती है, इसलिए मैं चाहूंगा सिटी बजने से पहले आप चले आएंगे। यहां एक और बेहतरीन किक आई थी जरूर ठाकुर स्पोर्टिंग की ओर से, लेकिन थोड़ा सा गोल पोस्ट के एक फीट बाहर कहा जाएगा जटा, अन्यथा देखने को मिल सकती थी ठाकुर स्पोर्टिंग के द्वारा। इस बार जिली घोड़ा की टीम काफी प्रयत्नों के बाद तो चाबी को ढूंढा जा रहा है, वापसी का जो दरवाजा लॉक किया गया है तो चाबी को ढूंढा जा रहा है इस वक्त, लेकिन यहां जो स्थिति है वो तो विपरीत परिस्थितियों में इस वक्त जो टीम दसमत बर्दस जिलिंग बड़ा की टीम, अब इस स्थितियों से अगर उभर कर आना है तो मैच में वापसी करना है तो किसी न किसी एक खिलाड़ी को या हीरो यानी नायक का रोल को जरूर अदा करने होंगे, चाहे आप संग्राम टुडू हो चाहे राकेश किस्की हो, आप बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने टीम के लिए माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वापसी करने के तमाम प्रयास जो है यहां पर आपके टीम के द्वारा होनी चाहिए। तब बेल्टान कांड्रा की टीम और आपके अंशु बर्दस की टीम, एबीसी बेल्टान कांड्रा और अंशु बर्दस की टीम आपको तैयार रहनी पड़ेगी फिर आज फाइनल समारोह वाले दिन में, याद रहे किसी भी तरह के इंतजार जो है कते बर्दाश्त नहीं करे जाएगी, इसीलिए समय रहते चलाएंगे। वापसी का दौर यहां से लगातार चलता हुआ है कि स्कोर की तलाश चिराग लेकर टॉस लेकर जा रहे हैं जरूर जिली कांड की टीम, बावजूद सफलता हाथ लगी नहीं लेकिन रुको जरा सबर करो बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का, मोमेंट आएगी थ्रिल आएगी एंड सस्पेंस भी आएगी, क्या करवट लेगी यह मैच ये कहा नहीं जा सकता, ये एक ऐसी दुनिया है जहां अनिश्चितताओं की दुनिया है, जब से वर्षाक खोकर तरीके से गेंद को विशाल लेते हुए आसानी से गेंद को परोसा है और छकाव छोटी सी पास लेकिन गलत जगह पर पास देने की इस नतीजे को भुगते कि दक्षिण नंबर छह छोटूलाल भास्कर के पास यहां गेंद आई है और पहले गोलदाता दुर्गा अर्जुन से गेंद छिंतावा दक्षिण नंबर तीन के पास और सुनील मेहरा अच्छी कलेक्टिंग गेंद की और गति में बढ़ोतरी इन्होंने कर दी है वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह, यहां पर सिटी बजेगी निश्चित तौर पर विक्रम जी की और बजी भी है और पीले कार्ड से सम्मानित करे जाएंगे निश्चित तौर पर 35 किलो चावल जो बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आती है दी जा सकती है, असल मजाक से हटके शायद खिलाड़ी इंजुर हो गए थोड़ी से जल सेवा उपलब्ध करा देंगे भाई एक्स्ट्रा प्लेयर्स के आप पानी उपलब्ध करा देंगे प्लीज एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप पानी उपलब्ध करा देंगे अपने टीम में, खुशी बच चुकी है कुल मिलाकर दो खिलाड़ी लेकिन कोई भी नुकसान नहीं यहाँ पर जिले में घोड़ा की टीम को, अगर फाइनल पास पासिंग लेकिन यहां पर गलत पास दे बैठे दुर्गा के लिए और दुर्गा ने आनंद थाना में गेंद को परोसा है गतिमान तरीके से बेहद गतिमान तरीके से गेंद रेफर करा जर्सी नंबर 10 की बात करे जा बाबू लेकिन चीते की सलाम अच्छी डाइविंग यहां और बेहतरीन उम्मीदों के साथ जर्सी नंबर 9 अच्छी कलेक्टिंग में है गेंद की घुटनों पर टकराते अभी भी गेंद बाएं पैर का इस्तेमाल गतिमान तरीके से लेकिन उतनी गति नहीं धीमी गति की गेंद थी कांड्रा आज प्रथम चक्र की यह अंतिम मुकाबला कांड्रा बनाम अंशु बर्दस की थी, असले भाई आपकी खिदमत में आपकी सेवा में हमेशा से ही रहा है रोलाडी बाबर का मंच परिवार है इस जश्न के माहौल को आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा था भाई खुशियों की जो है टिकटें आप परचेस कर लेंगे खरीद लेंगे जैसे ही गोल होगी डीजे पूरी लाउड के साथ बजेगी और इस जश्न के माहौल को
थिरकते हुए सेलिब्रेटर्स विगत दिनांक 5 सितंबर 2023 का दिन को जो है आयुष स्पोर्टिंग की टीम एक क्वार्टर फाइनल के मुकाबले को तय करते हुए अभी तक सेमीफाइनल का दरवाजे को खटखटाया है इन्होंने। और कल दिनांक की बात करें जाए 6 सितंबर 2023 डीजे गुरु हो ये टीम 4 स्कोर के साथ क्वार्टर फाइनल को क्वालिफाई करती हुई। और वही बात करी जाए आयुष स्पोर्टिंग उस टीम का भी जो स्कोर है वो 4 है। और आज के दिनांक में उस 4 स्कोर को पछाड़ कर या 5 स्कोर किसी टीम के द्वारा आएंगी तो जाहिर सी बात है आज हो सकता है मैं भी किसी टीम के द्वारा अगर 5 स्कोर हो जाए तो डायरेक्टली फाइनल का टिकट जो है उसको थमा दिया जा सकता है। ठाकुर स्पोर्टिंग वर्सेस जिलिंग ग्राफ के बीच में 1-0 के बढ़त अभी भी इनके पास है ठाकुर स्पोर्टिंग के पास। और मैच में वापसी करने की तमाम प्रयास है यहां जिलिंग बड़ा की ओर से करी जा रही है लेकिन इस वक्त विपरीत परिस्थितियों में भी सेकंड स्कोर की तलाश में एक खिलाड़ी जस्ट नंबर 7 ठाकुर स्पोर्टिंग के लिए काफी रनअप गति के साथ दुर्गा हेमराम सेकंड स्कोर लाने की प्रयास करी गई थी इनके द्वारा लेकिन इस बार मैच की अंतिम सिटी यहां आती हुई